मारना है तो अपने अंदर के राक्षस को मारो, जैसे माँ दुर्गा ने मारा था। कौन से राक्षस को मार? सुनाना कहानी। ठीक है तो सुनो, पता है हम नवरात्र क्यों मनाते हैं? एक राक्षस था महिषासुर, उसने पूरी दुनिया पर हाहाकार मचा के रखा था। फिर माँ दुर्गा आई, उन दोनों में 9 दिनों तक लड़ाई चालू रही और दशमी के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया और वो बन गई महिषासुर मर्दिनी। और उस दिन हम दशहरा सेलिब्रेट करते हैं। मैसूर में महिषासुर का एक बड़ा स्टैचू भी है, तुम्हें वो स्तोत्र आता है ना? तो चलो बोलो सबके लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक गाना सुनाएंगे जो बताता है बुराई पे अच्छाई की जीत। इसमें देवी के अलग अलग रूप दर्शाए गए हैं। आज हम आपको सुनाएंगे महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र, कंपोज बाय आदि शंकराचार्य। पता है प्रभु श्री रामचंद्र ने इस स्तोत्र का जाप किया था रावण से लड़ाई के पहले, देवी से शक्ति मांगने के लिए। इस गाने में देवी के अलग अलग रूप है, जैसे कि दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी। चलो तो हम भी हमारे अंदर के राक्षस को मारते हैं और इन देवियों को जगाते हैं। सो लेट्स बिगिन। Like, share and subscribe to our channel. Bye bye.